बहुत ही खतरनाक। ए, पकड़ना मेरे को, ए, पकड़ना। गाइस आगे एक बहुत ही खतरनाक वाला ब्रिज है, शायद आप लोग फिल्मों में ही देखा होगा, आप लोग ने अभी तक आप लेकिन रियल में नहीं देखा होगा। तो चलिए देखिए, ये देखिए ये वाला ब्रिज है, बहुत खतरनाक है, झूला झूलता भाई। तो गाइस मैं आप लोग को एक चीज बताने वाला हूँ कि अभी जो हम लोग इस तरफ से आए हैं तो ये अपना इंडिया का बॉर्डर था, यहाँ पे इंडिया के बॉर्डर से अंदर आए, और ये जो है कि अपन इस वक्त नेपाल के अंदर है, और ये जो रोड है ये काठमांडू की तरफ जाता है, नेपाल सिटी के अंदर जाता है, और आप देख सकते हैं ये लन है यहाँ पे कितना 32 किलोमीटर है, जो कि गाइस आप लोग को दिखा दूँ कि हम लोग कहाँ से आए थे। ये देखिए ये जो गांव दिख रहा ना, ये गांव अपना नेपाल के बॉर्डर पे है, जैसे अंदर नेपाल के अंदर इंटर होते हैं वैसे ये पहला गाँव पड़ता है, और ये गाँव के जस्ट उस तरफ अपना इंडिया का बॉर्डर है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, हम लोग जैसे ही नेपाल में इंटर हुए वैसे ही नेपाल का पहला गांव पड़ा है। कौन सा गांव है ये? कोयलावास। अच्छा कोयलावास नेपाल का ये पहला गांव है यहाँ पे, और यहाँ से अच्छा ये रास्ता नेपाल गया, काठमांडू जहाँ भी जाना, अच्छा काठमांडू जहाँ भी जाना जा सकते है। और ये यहाँ पे यहाँ के घर है ऐसा कुछ, इधर से गलती से आए थे। अच्छा फिर सीधा पर गया था, अभी इस तरह से जाना है हमको। हाँ ये देखो प्लास्टर करने वाला दीवार। अच्छा इसको प्लास्टर करना है, मतलब यहाँ पे घर बन रहा है, बन रहा है, किसी का घर बन रहा है। बहुत ही अच्छा यार, मतलब नेचुरल तरीके से रहते हैं यहाँ पे लोग, अभी तो यहाँ के लोग मजबूत। हाँ अच्छा ये तो बहुत पुराना लग रहा भाई। गाइस आगे एक बहुत ही खतरनाक वाला ब्रिज है, शायद आप लोग फिल्मों में ही देखा होगा, आप लोग ने अभी तक आप लेकिन रियल में नहीं देखा होगा। तो चलिए देखिए ये वाला ब्रिज है, बहुत खतरनाक है, झूला झूलता भाई, गजब गजब गजब। लास्ट में दूल्हा जा रहा है, दूल्हा जा रहा है, अरे बाप रे भाई, गिरेंगे तो नहीं ना? नहीं, क्या खूबसूरत नजारा है यार, ये नदी है, पहाड़ों की पानी इधर से गुजरती है। अरे हम लोगों गाइस बहुत ही खतरनाक वाला ब्रिज है, जो आप फिल्मों में देखते हैं वो यहाँ पे रियल में मैंने आज एक्सपीरियंस किया है, ऐसा लग रहा ना रियल ऐसा, मतलब बहुत डर लग रहा था ब्रिज के ऊपर से चलने में। अभी चल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं अभी कहाँ लेके जा रहे हैं भाई हमको। अरे बाप रे, अरे डर लग रहा है, ये कौन सी घाटी आ गई भाई, ये कौन सी घाटी है? हाँ ये नाला है, नाला है। अरे यार नाला मत बोले यार, बोले तो रिवर है। हाँ ऐसा बोल, हाँ ऐसा बोल। गाइस देखिए पहाड़ों के बीच में से कैसे पानी आ रहा है एकदम, सब लोग हाथ मुंह धुल रहे हैं, ठंडा पानी है, गजब यार, ये पानी कहाँ से आ रहा है, पहाड़ों के अंदर से? पहाड़ों के अंदर वो फिल्टर फेल है इसके सामने। गाइस देखो ऐसा लग रहा है ना कि हम कश्मीर की पहाड़ियों में आ गए हैं, और ये कश्मीर से कम भी नहीं लग रहा है, लग रहा है क्या कश्मीर से कम भी लग रहा है क्या? पूरा एकदम वैसे ही सेम कश्मीर की घाटी की तरफ घाटी है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, और हमारे भाई लोग यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, जंगल में कुरकुरे खाने के लिए आए हैं, खाना है क्या? जबरदस्त थक चुके हैं सब लोग, इतनी चढ़ाई पे हम लोग चढ़ गए हैं कि सब लोग थक गए, और ऐसे देखो रोड पे सब बैठे बैठे बैठ गए सब लोग। भाई ज़्यादा थक गए क्या आप? हाँ देखो सबके सब जो है कि कोई कोई कोचे में घुसा है, कोई कहीं बैठा है, कोई पत्थर पे बैठा है, कोई कुछ कर रहा है। तो गाइज मैं आप लोग को एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अभी जो हम लोग इस तरफ से आए हैं तो ये अपना इंडिया का बॉर्डर था, यहाँ पे इंडिया के बॉर्डर से अंदर आए, और ये जो है कि अपन इस वक्त नेपाल के अंदर है, और ये जो रोड है ये काठमांडू की तरफ जाता है, नेपाल सिटी के अंदर जाता है, और आप देख सकते हैं ये लन है यहाँ पे कितना 32 किलोमीटर है, जो कि अपना नेपाल सिटी से यानी कि काठमांडू की तरफ से
जो आया है जो कि अपना सचिन और शायद आप लोग जानते ही हैं सीमा हैदर, वो इसी रास्ते से बॉर्डर क्रॉस किए। यहाँ पे गाइज मैं आप लोग को ना एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे ना बॉर्डर पे ना नेपाल में एक भी पुलिस नहीं रहते, खाली एक या दो जन मुश्किल से रहते जो कि ना कोई पूछते हैं ना कुछ करते हैं। हाँ ये है कि अपने इंडिया की बॉर्डर की तरफ से जब अंदर नेपाल में घुसते हैं ना तो अपने इंडियन के अपना इंडियन आर्मी वाले खड़े हैं वहाँ पे, वो जो है थोड़ी पूछताछ करते हैं। बाकी यहाँ से जाने के टाइम पे देखते हैं, वापस रिटर्न जाने के टाइम पे के कुछ पूछताछ करते हैं या नहीं करते, क्योंकि आने के टाइम पे तो अपना आईडी मांगा था और मतलब थोड़ा पूछताछ किया था अपना इंडियन आर्मी वालों ने। अभी जाने के टाइम पे देखते हैं रिटर्न क्या पूछताछ होती है या नहीं होती है या डायरेक्ट निकल जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से अभी नीचे जाना है खाई के अंदर, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं लोग, और बहुत डर लग रहा है मुझे तो यार। भाई आप लोग सब लोग देखो, सब लोग बिना डरे जा रहे हैं और मैं अकेला पीछे रह गया हूँ। चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे, चलते हैं अपन भी चलते हैं। अरे बाप रे, बहुत ही खतरनाक। ओए ओए ओए, पकड़ना मेरे को, ओए पकड़ना, पकड़ लिया भाई। आराम से भाई, थोड़ा हा? देख सकते हैं वहां से हम स्लिप हो गए थे। आराम से थोड़ा देख के कहाँ से कहाँ आप पहुंचे, क्या नजारा है, क्या वाह 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 वाह, क्या बात है। ए भाई क्या कर रहा है यहाँ पे। फिलहाल हम लोग इस तरह से आए थे, यहाँ से उधर गए, उधर से अभी वापस रिटर्न आए, अभी जा रहे इस तरफ और देखते हैं इस तरफ क्या मिलता है देखने के लिए हमें। जब का हिल पार्क है यहाँ का नेपाल का, बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है कश्मीर में आ गए हम, है ना जी, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। एक अमेजिंग लोकेशन पे आए हुए हम लोग और बहुत ही खतरनाक है ये, देखिए यहाँ पे चलते ऊपर, चलते देखते ऊपर जाके, है ना, चढ़ेंगे ऊपर कि नहीं चढ़ेंगे, चलो चलते हैं ऊपर, देखते हैं वहाँ से कैसा नज़ारा दिखता है हमें, और थोड़ा रेस्ट किया जाए कि डायरेक्ट चला जाए ऊपर। अच्छा ऊपर ही जाके रेस्ट करते हैं, चलो ठीक है ऊपर ही चल के। गाइस ये टॉवर पे चढ़ने में तो हालत ख़राब हो रही है एकदम, देख रहे हो पूरा पसीना पसीना हो चुका ऊपर से नीचे तक, और ये देखिए नीचे का कितना ऊपर आ चुके हैं, अभी तो और ऊपर चढ़ना है। ये देखिए थक चुके हैं और ऊपर पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा है ना कि नहीं यार इतना मेहनत करके ऊपर आए तो हाँ कुछ सही जगह पे आए हैं। और यहाँ का व्यू आप लोग को दिखाता हूँ मैं, हवा तो मिल रही है यार, यहाँ तो अच्छी तो हवा आ रही है, बहुत ही खूबसूरत नजर है यार। गाइज आप लोग को दिखा दूं कि हम लोग कहाँ से आए थे, ये देखिए ये जो गांव दिख रहा ना, ये गांव अपना नेपाल के बॉर्डर पे है, जैसे अंदर नेपाल के अंदर इंटर होते हैं वैसे ये पहला गांव पड़ता है, और ये गांव के जस्ट उस तरफ अपना इंडिया का बॉर्डर है जहाँ से हम लोग ने इंटर किया है। देखिए जिस ब्रिज से हम लोग आए थे वो ब्रिज देखिए, अभी भी देखो वहाँ से पब्लिक आ रही है और भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे व्यूज। हाँ मुझे नहीं लगता है लेडीज़ लोग है तो शायद हो सकता है, मुझे लगता है नहीं आएंगे क्योंकि इतना ऊपर तक। बाकी व्यूज़ देखिए आप, व्यूज़ का एंजॉय कीजिए। किधर गई बस, कहाँ से, ओहो वो देखो बस, बस शाबाश, वो देखो बस आ रही है, पता नहीं कौन कौन से रास्ते से ये लोग लेके जा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं इधर जंगलों में खो न जाऊं मैं, जंगल है कि क्या है पता नहीं। ये देखिए ऐसा नेपाल के अंदर है, ये शेर चीता तो नहीं मिलेगा यहाँ पे, हाँ चीता ऊपर है और शेर नीचे रहेगा। अच्छा बीच
घाव देख के भाई खाड़ी बहुत है। ओ अगर इधर से पैर फिसला तो सीधा नीचे मुश्किल हो जाएगा। अरे बापरे कहाँ कहाँ से जा रहे है? अरे कहाँ कहाँ से जा रहे है जाने का रास्ता? तो फोकट का आ गए इधर। अरे वही वो सीढ़ी सही था यार, ये देख और मार दो। ए, ए, नहीं नहीं रिक्स मत ले, रिक्स मत ले, रिक्स मत ले, जाने का जगह नहीं है तो रिक्स मत ले। है उधर से जगह नहीं होगा रे। क्या व्यूज है यार गाइस। ये वही गांव है जो कि इंडिया के बाद नेपाल में जैसे इंटर होते हैं वैसे ही ये पहला गांव और कुछ इस तरह का है। यहाँ पे एक कुआं भी है पुराने ज़माने का, वो भी आप लोग को दिखाता हूँ। सामने आप लोग को दिख रहा होगा, वो देखिए, ये देखिए सामने पुराने ज़माने का कुआं है, बहुत ही मतलब ब्रिटिश ज़माने का लग रहा है सारा। तो बाकी चलते हैं आगे। गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग पहाड़ों से जो पानी आ रहा है एकदम ठंडा ठंडा, उससे एकदम नहा रहे, मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हमें भी नहाने का दिल कर रहा है लेकिन मजबूरी है कि चलो नहीं नहाते हैं, लेकिन देखते हैं थोड़ा ठंडे पानी से थोड़ा अपन भी। और ये देखो यहाँ का कुछ ऐसा व्यूज है, बहुत ही खतरनाक व्यूज है यहाँ का, ये देखो। खतरनाक ऑसम लेवल, पूरा हिल रहा है ब्रिज।